आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का पत्ता गोभी लिया है, उसको हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो बड़े कांदे लिए हैं, इसको भी हमने लंबे पीस में काट लिया है। तेल हमने एक बड़ा चम्मच लिया है। गरम मसाला एक बड़ी चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, राई, लाल मिर्च पाउडर दो छोटी चम्मच, लहसुन और अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, तीन चार करी पत्ते और एक चौथाई छोटी चम्मच हींग ली है, और राई हमने एक चौथाई छोटी चम्मच ली है। अब हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर हम ये जो एक बड़ा चम्मच तेल लिया था वो डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम होने तक गैस को तेज रखें। हमारा तेल गरम हो गया है, उसके अंदर राई डाल देंगे। करी पत्ते, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे। उसके बाद हींग डालेंगे। सबको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमने जो ये कांदा लिया था वो डालेंगे। कांदे का कलर जो है वो चेंज हो जाए, बदल जाए, तब तक इसको चलाते रहें। कांदे का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। गैस को स्लो करें। नमक डाल दे, हल्दी पाउडर डाल दे, हमने नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद ये जो पत्ता गोभी हमने लिया है वो डाले। गैस को स्लो रखें।
पत्ता गोभी डाल के हमें सारा मसाला अच्छे से लग जाए उस तरह चलाते रहना है। अब हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला जो लिया था वो डाल देंगे। फिर इसको वापस अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें आधी छोटी कटोरी पानी डालें। गैस को एकदम स्लो रखें। और पैन को ढक ले। इसको 2 या 3 मिनट तक ऐसे स्लो गैस पे पकाएंगे। बीच में आपको देखते रहना है कि हमारी जो ये सब्जी है वो चिपक तो नहीं रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें वापस थोड़ा पानी ऐड करें। और वापस इसको अच्छे से ढक ले। ये देखिए ये हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बन गई है। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसके ऊपर हम हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया आपको पसंद है तो डाल ले। अब इसको आप गर्मा गर्म परोसे पत्ता गोभी की सब्जी को चपाती पराठा किसी के साथ भी खाइए। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। पत्ता गोभी की सब्जी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल में जरूर भेजें और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।